जो बोनेट के अंदर जाली होती है वो देखिए भाई, बड़ी शानदार जो है महीन जाली इसके अंदर दी गई है। और एयर क्लीनर ड्यूल एलिमेंट के साथ जो है आपको एयर क्लीनर मिलेगा भाई, चौक सेंसर के साथ आपको इसका एयर क्लीनर आपको देखने को मिलेगा। डबल हाइड्रोलिक पंप देखने को मिलेगा जिसको अपने टेंडम पंप बोलते हैं भाई। किसान भाई और राम राम भाई सभी को, मैं हूँ दिनेश सिहाग और आप देख रहे हैं क्रेजी ट्रैक्टर्स। तो भाई इस वक्त हम आए हैं सूरतगढ़ के अंदर, जॉन डियर की एजेंसी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं जॉन डियर की, अनिल ट्रैक्टर्स के नाम से। तो भाई आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं भाई एकदम नया ट्रैक्टर है भाई, 50-50D जॉन डियर का और वैल्यू V1 है भाई, V1 50-50D आपके लिए लेके आए हैं। इसका पूरा रिव्यू अपने करेंगे तो भाई वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत ही बढ़िया जो है वीडियो होने वाली है इस वक्त। तो भाई अपने इसका पूरा रिव्यू करेंगे तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी लाइटें देखिए भाई, हेलोजन लैंप आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। और जॉन डियर के ट्रैक्टर के अंदर भाई आपको जो है ना इंजन के आगे जो रेडिएटर से पहले जो बोनेट के अंदर जाली होती है वो देखिए भाई, बड़ी शानदार जो है महीन जाली इसके अंदर दी गई है, और काफ़ी अच्छा जो है वेंटिलेशन इंजन को यहाँ से मिलता है भाई। तो और फ्रंट एक्सल की बात करें तो भाई आपको नॉन एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल आपको देखने को मिलेगा भाई। और अगर पावर स्टेयरिंग की बात करें तो भाई सिंगल एक्टिंग सिंगल आर्म ड्रॉप जो है इसके अंदर आपको पावर स्टेयरिंग इसके अंदर देखने को मिलेगा। और अगर फ्रंट टायर्स की बात करें तो भाई इसके अंदर 7/50/16 और 6/16 के दोनों ऑप्शन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे भाई, ऑप्शन के अंदर है। और पीछे के टायर्स की अपने बात करें रियर टायर्स के अंदर, तो 14/9/28 और 16/9/28 दोनों ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। और अब अगर इंजन की बात करें तो भाई मैं इसको जो है पहले ओपन कर लेता हूँ, बोनेट को ओपन करके अपने इंजन देखेंगे फिर इंजन की बात करते हैं भाई। तो भाई वो बोरनेट हमने ओपन कर लिया है, तो अब देखते हैं इसको अपने पहले रेडिएटर देखते हैं भाई। रेडिएटर के अंदर भाई आप देख सकते हैं सामने बड़ा रेडिएटर इसके अंदर दिया है भाई, वाटर कूल्ड इंजन आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। और भाई इसका जो आप देख सकते हैं एयर क्लीनर ड्यूल एलिमेंट के साथ जो है आपको एयर क्लीनर मिलेगा भाई, चौक सेंसर के साथ आपको इसका एयर क्लीनर आपको देखने को मिलेगा। अगर इसके अंदर किसी भी तरह का जो है कचरा वगैरह आ जाता है बाई चांस, अगर चौक हो जाता है एयर क्लीनर, तो भाई अपने आप आपको जो है इंडिकेट कर देगा भाई कि इसको साफ़ करने का टाइम आ गया। और इंजन की बात करें तो भाई आपको इसके अंदर जो है ना 50 हॉर्स पावर का इंजन देखने को मिलेगा। और इसकी अगर अपने बात करें इंच रेटेड आरपीएम की, तो भाई 2100 इंजन रेटेड आरपीएम के ऊपर ये ट्रैक्टर भाई काम करेगा। और ये देखिए भाई 3 सिलेंडर इंजन आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिलेगा भाई, और माइको बोस का इनलाइन पंप आपको इस ट्रैक्टर के अंदर लगा हुआ मिलेगा। तो काफ़ी अच्छे इंजन होते हैं भाई जॉन डियर कंपनी के। और इस तरफ आप देख सकते हैं साइलेंसर की जो टंकी है इसको बड़ी शानदार तरीके से इसको जो है यहाँ पर लगाया गया है, और साइलेंसर जो है काफ़ी जो है शानदार देखने में आपको इसका लगेगा। और अगर इस तरफ अपने देखें इंजन के, तो भाई आपको यहाँ पर डबल हाइड्रोलिक पंप देखने को मिलेगा जिसको अपने टेंडम पंप बोलते हैं भाई, एक हाइड्रोलिक के लिए और दूसरा पावर स्टेयरिंग के लिए आपको अलग अलग दो पंप इसके अंदर देखने को मिलेंगे भाई। और हाइड्रोलिक जो है फिल्टर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो काफ़ी शानदार और कॉम्पैक्ट सा इंजन है जॉन डियर का। और जॉन डियर के इंजन की अगर अपने बात करें तो भाई आपको जो है ना 3029D सीरीज़ का इंजन जो है इस ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगा भाई। तो अब अपने बोनेट बंद कर लेते हैं और ऊपर चलते हैं, ऊपर चल करके अपने इसका जो है प्लेटफॉर्म देखेंगे और जो ऑपरेशनल एरिया होता है उसको अपने देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो भाई टायर्स की हमने बात कर ली, आपको दोनों ऑप्शन के मिलेगा, फ्रंट टायर आपको 6/50/16 और 7/50/16 दोनों जो है आपको मिलेंगे। और ये और पीछे के टायर भाई आपको जो है 14/9/28 और 16/9/28 दोनों ऑप्शन के अंदर आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा भाई। और प्लेटफॉर्म की बात करें तो भाई काफ़ी ऊंचा प्लेटफॉर्म आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा सिंगल स्टेप के साथ। और ग्राउंड क्लीयरेंस मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, काफ़ी अच्छी जो है इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस आपको देखने को मिलेगी, यानी कि आप जो है खेत के अंदर बड़ी आसानी से जो है काम कर सकते हैं, कि कहीं भी जो है जल्दी से अड़ने वाला ट्रैक्टर नहीं है। तो अपने ऑपरेशनल एरिया देख लेते हैं भाई। अब अगर हमने बात करें इसके गियर की बात करें तो भाई आपको जो है कॉलर शिफ्ट के साथ इसका गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। और अगर इसकी गियर स्पीड की बात करें तो भाई ये आपको जो है हाई लो के अंदर देखने को मिलेगा भाई। तो इसके अंदर ना थोड़ा सा चेंज है भाई, अगर गियर स्पीड की बात करूं तो भाई ये आपको 8 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर के अंदर मिलेगा भाई। अब 8 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर किस तरह हो जाएंगे ये देखिए भाई, इसके अंदर भाई जो इसका रिवर्स गियर है वो आपको इसके अंदर हाई लो वाले लीवर के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा भाई, ठीक है, कॉलर शिफ्ट के अंदर। और इस तरफ आपको ये 4 गियर देखने को मिलेगा, यानी कि हाई लो नहीं लगता है भाई इसके जो रिवर्स गियर है उसके अंदर हाई लो नहीं लगता है भाई। और चारों गियरों के अंदर आप इसको जो है बैक चला सकते हैं, यानी कि रिवर्स में इसको चारों गियर स्पीड के अंदर चला सकते हैं। इस तरह से आपको जो है 8 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर के अंदर आपको ये ट्रैक्टर देखने को मिलेगा भाई। और ये देखिए भाई इस तरफ आपको जो है बिल्कुल ड्राइवर सीट के पास में इसकी जो है लिफ्ट देखने को मिल जाएगी भाई, लिफ्ट के जो पोजिशन लीवर है
जो कि काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पर पोर्ट किए गए हैं भाई। और ये इसका भाई लिफ्टोमेटिक बटन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा भाई, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर क्लच की बात करें ना, अगर क्लच की बात करें तो भाई ये आपको इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच के साथ आपको देखने को मिलेगा। और पीटीओ की अगर बात करें तो भाई इसके अंदर आपको ड्यूअल पीटीओ देखने को मिलेगा, रिवर्स पीटीओ आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो है ना पीटीओ की स्पीड भाई आपको अलग अलग देखने को मिलेगी, जो कि 540 स्टैंडर्ड आरपीएम के ऊपर जो भाई 1600 आरपीएम के काम करेगा भाई। और उसके साथ ही 540 स्टैंडर्ड के अंदर भाई आपको जो है ये 2100 आरपीएम और 1600 आरपीएम के ऊपर दोनों जगह आपको जो है, यानी कि ट्रैक्टर की अगर आप 2100 आरपीएम रखेंगे तो भी, और अगर 1600 आरपीएम रखेंगे तो भी, ये आपको जो है स्टैंडर्ड 540 आरपीएम पर आपको ये ट्रैक्टर जो है काम करेगा भाई। और यहाँ पर इसका जो है पीटीओ लीवर यहाँ पर सीट के बिल्कुल पास दिया गया है। और अगर अपने इसके डैशबोर्ड की बात करें तो काफ़ी शानदार डैशबोर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको जो है 12 वोल्ट का एक चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा भाई। और ये इसका हाथ वाला एक्सीलेटर है, और इस तरफ आप देख सकते हैं जो है पैर का एक्सीलेटर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ब्रेक्स की अगर बात करें तो भाई आपको जो है ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिलेगा। और ये आप इस ट्रैक्टर की आप देख सकते हैं ड्राइविंग लुक आपको बड़ी ही शानदार लगेगी। और एक चीज़ बहुत अच्छी दी गई है भाई, यहाँ पर आपको हीट शील्ड इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिलेगी, ताकि इंजन की जो गर्मी है वो ड्राइवर को ज़्यादा तंग ना करे, इसलिए दोनों तरफ यहाँ पर जो है इसकी हीट शील्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और अब अगर अपने इसकी आवाज़ की बात करें तो मैं इसको स्टार्ट करके आपको इसकी आवाज़ सुनवा देता हूँ भाई। अपने आरपीएम भी इस ट्रैक्टर के अपने चेक कर लेंगे, तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। देखिए भाई काफ़ी अच्छी वॉइस आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। और मीटर आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार जो है इसका डिजिटल मीटर आपको देखने को मिलेगा, एनालॉग और डिजिटल मीटर दोनों इसके अंदर मिक्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं इसके जो है आरपीएम जो है इसके बढ़ाता हूँ अपने चेक करते हैं, ये देखिए भाई काफ़ी शानदार, तो आपको लगभग जो है 2100 इंजन रेटेड आरपीएम के ऊपर जो भाई इसका इंजन जो है काम करेगा भाई। ठीक है, तो भाई ये था इसका ऑपरेशनल एरिया। अब अपने चलते हैं पीछे, पीछे चल करके जो है इसकी जो है पीछे का हिस्सा मैं आपको दिखा देता हूँ भाई ट्रैक्टर का। तो उससे पहले मैं आपको जो है ना इसकी सीट के बारे में बता देता हूँ भाई। ये आपको जो है आगे पीछे जो है एडजस्टेबल सीट मिल जाएगी, मैं इसके ऊपर बैठ के देख चुका हूँ भाई, काफ़ी जो है कंफर्टेबल सीट आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। अब अपने चलते हैं पीछे, पीछे चल कर जो है इसका पीछे का हिस्सा अपने देखते हैं भाई। तो भाई अब अपने आ चुके हैं ट्रैक्टर के पीछे, तो पीछे का हिस्सा जब अपने देखते हैं तो जॉन डियर के अंदर भाई टैंकी जो है पीछे की साइड दी जाती है, तो भाई आपको 60 लीटर का फ्यूल टैंक आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, जो कि भाई फाइबर से बना हुआ है। और अब अपने बात करें ये पीछे का फ्यूल टैंक, इसको पीछे देने का रीज़न ये है भाई, इसके अंदर ना अगर इंजन से दूर रहेगा फ्यूल टैंक तो आपका जो है फ्यूल गर्म नहीं होगा, और इससे जो है आपकी ट्रैक्टर की एवरेज काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। और अगर पीछे के हिस्से की बात करें तो प्लेंट्री गियर के अंदर आपको जो है पीछे का हिस्सा इसके अंदर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है भाई। और अपने लिफ्ट की बात करें तो भाई इसके अंदर 1600 केजी की लिफ्ट कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी भाई। और यहाँ पर इसके अंदर ये भाई चेन सिस्टम इसके अंदर दिया हुआ है। और लिफ्ट के टॉपलिंग पॉइंट्स की बात करें तो भाई आपको जो है 3 टॉपलिंग पॉइंट्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है भाई, टॉपलिंग होल्डर के साथ आपको ये ट्रैक्टर मिलता है भाई। और ये यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं जो लिफ्ट के जो है हिस्सा होता है उसकी हवा निकालने के लिए पीछे जो है ये आपको गेज यहाँ पर दिया गया है भाई। और अब अपने बात करें तो इसके हुक की बात करें तो काफ़ी जो है पॉइंट्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, आप इसको जो है अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टेबल हुक देखने को मिलेगी। अगर पीटीओ की बात करें तो 540 स्टैंडर्ड आरपीएम के ऊपर आपको इसका पीटीओ काम करेगा भाई, और लगभग 42 एचपी के आसपास आपको जो है इसका पीटीओ देखने को मिलेगा। पीछे की लाइट्स की बात करें तो काफ़ी शानदार जो है इसके लैंप दिए हैं, और इंडिकेटर्स काफ़ी जो है ऑर्डिनरी इंडिकेटर आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, यानी कि भाई आप अब जो है ना एलईडी इंडिकेटर्स का जमाना आ चुका है, तो इंडिकेटर एलईडी देने चाहिए थे जॉन डियर को। और ये भाई इसकी टूल बॉक्स है, आपको ना भाई इसके अंदर लोहे की टूल बॉक्स देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और इसके साथ काफ़ी सारी एक्सेसरीज भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। और अगर भाई अगर इस ट्रैक्टर की वारंटी की बात करें तो भाई आपको 5 साल की वारंटी के साथ आपको जो है काफ़ी अच्छा खासा ट्रैक्टर 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर आपको देखने को मिलेगा भाई। रेट की अगर बात करें ना तो भाई इसके प्राइस की अगर बात करें तो आप मुझे कमेंट करके बताना भाई आप कौन से एरिया से हो, तो हर एक एरिया का जो है ना भाई अलग अलग जो है प्राइस होता है, इसलिए मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके पूछना तो मैं आपको इसका प्राइस ज़रूर बता दूंगा भाई। तो भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और भाई कोई चीज़ अगर मुझसे छूट गई हो ना तो भाई आप मुझे जो है कमेंट करके ज़रूर बता देना, ताकि मेरी नॉलेज भी भाई इसके अंदर बढ़ जाए। तो इसी तरह की वीडियोस लगातार आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई। तो मिलते हैं ऐसी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।